नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो जहां तक मैंने आपको कराया था, वहां तक आपने अच्छे से नोट्स बना करके तैयार कर लिए होंगे टॉपिक अच्छे से। आइए, चैप्टर आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंतर्गत मैंने आपको जो टॉपिक कराए थे उसके बाद आइए फिर आगे चलते हैं। तो इसके बाद है आप सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण, ठीक है ना, हेडिंग क्या है आपकी, सतत आवेश वितरण। देखो सतत का क्या मीन्स होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार, आवेश आप जानते हैं, वितरण माने बंटवारा, यानी आवेश को लगातार बांटना है आपको। तो देखो तीन तरीके की वस्तु होती है आपकी, कुछ वस्तुएं होती है आपकी एक विमीय है ना, जिनमें एक विमा होती है, कुछ प्रकार कुछ वस्तु आपकी कैसी होती है एक विमीय है, और कुछ वस्तुएं आपकी कैसी होती है द्विविमीय, यानी जिनकी विमा कितनी होती है दो होती है, समझ लो। यानी एक विमीय क्या होता है, जिसकी केवल लंबाई लंबाई होती है, जैसे कि आपका ये मार्कर है ना, लंबाई है इसकी, मोटाई तो बहुत ही ना के बराबर है लंबाई के रेस्पेक्ट में। तो यानी यदि आप एक विमीय का क्या मतलब है, यानी जो लंबाई की बात है, ठीक है। देखो द्विविमीय का क्या अर्थ होता है, जब आप क्षेत्रफल की बात करें, आपको बताया द्विविमीय यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, क्षेत्रफल का सूत्र। और देखो एक होता है त्रिविमीय, त्रिविमीय जिसे आप कहते हैं, देखो ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो त्रिविमीय का क्या अर्थ होता है, यानी आयतन, आयतन में आप जानते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन के दिस बात करें तो क्या होता है, त्रिविमीय होता है। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पर आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, तो इस प्रकार का जो आवेश है ना, इस प्रकार का जो आवेश का वितरण है उसे आप क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। बात क्लियर है, यानी जब कोई आवेश किसी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को आप क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो आप आवेश को आप तीन प्रकार से बांट सकते हो, किसी ऐसी वस्तु को ले सकते हो जिसकी केवल लंबाई है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आप एक विमीय आवेश वितरण कहते हैं, है ना। इनके नाम अलग अलग है, यानी लंबाई के अनुसार बात अनुदिश, यदि आप आवेश को वितरित करोगे तो एक विमीय होगा, है ना, क्षेत्रफल के अनुदिश, क्षेत्र पूरे क्षेत्रफल में बांटोगे। लंबाई के अनुदिश बांटने का क्या अर्थ है, लंबाई के अनुदिश बांटने का अर्थ ये हो जाता है, किसी ऐसी वस्तु पर आवेश को आपको देना है जो कैसा है, जिसकी केवल लंबाई ही लंबाई है ना। और द्विविमीय का क्या अर्थ है, किसी वैसी वस्तु को आपको आवेश को देना है जिसका केवल क्षेत्रफल है, पृष्ठ है ना, जैसे ये पृष्ठ है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी पूरा क्या है, पृष्ठ है, व्हाइट बोर्ड जो है आपका। त्रिविमीय है, यानी जिसमें केवल तीन विमा होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो इस प्रकार का आपका होता है ये सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी ये बात, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बात और ध्यान रखें आप, ये जो सतत आवेश वितरण है आपका तीन प्रकार का होता है, मैंने बताया एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो एक विमा के केस में यदि आप बात करेंगे तो आपका जो आवेश वितरण है वो आपका कैसा हो जाएगा, सतत आवेश वितरण एक विमा के केस में हो जाएगा, इसे आप कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। भाई देखो लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई एक तरीके से रेखा ही तो है, इसका मतलब है इस प्रकार के आवेश वितरण को आप क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, बात समझ में आई आपको। इसके बाद देखो द्विविमीय के केस में बात करें या क्षेत्रफल के केस में बात करें तो आप इसे कहते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल क्या दो या पृष्ठीय कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व भी कह सकते हो आप, बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या कह रहे हैं वितरण। तो यदि आप बात करते हैं किसके केस में, यदि आपकी ऐसी कोई वस्तु है जिसमें आप द्विविमीय प्रकार से यानी लंबाई में भी चौड़ाई में भी आवेश का वितरण करा रहे हैं, आवेश को बांट रहे हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश वितरण। बात क्लियर है। यदि आप आयतन के केस में बात करेंगे तो इसे आप कहते हैं आयतनीय, ठीक है, आयतनीय आवेश वितरण, क्या कहते हैं आप,
आयतनीय आवेश वितरण। तो ये है आपका आयतनीय आवेश वितरण, बात समझिएगा आपको। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो सतत आवेश वितरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत का मतलब लगातार आवेश, आप जानते हैं। वितरण माने होता है बंटवारा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब आवेश को किसी वस्तु पर एक समान रूप से, है ना, एक समान रूप से बांट दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहते हैं। बात क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, मैंने बताया आपको। पहला क्या है? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा क्या है? आयतनीय आवेश वितरण। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए फिर इसका फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। देखो, एक होता है आवेश वितरण, और इसी तरह दूसरी जो परिभाषा है इसी से रिलेटेड हो जाएगी आपकी, उसे आप कहते हैं आवेश घनत्व। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सतत आवेश वितरण, तो आप उसे आवेश घनत्व भी कहते हैं। यानी दोनों लगभग है तो परिभाषा अलग अलग, लेकिन आप एक के द्वारा, एक की हेल्प से दूसरी परिभाषा दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, सतत आवेश वितरण है ना, तो इसके अंतर्गत आप दूसरी हेडिंग लिख सकते हो, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, घनत्व। यानी आप क्या कह सकते हैं? सतत आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार देखो, पहली हेडिंग की मैं बात करता हूं। पहली हेडिंग मैंने क्या बताई थी आपको? पहली हेडिंग आपकी, मैंने बताया ना तीन प्रकार का होता है, एक तो रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है, चाहे घनत्व कह लें आप और चाहे आप आवेश का वितरण कह लें। ठीक है, जब वितरण होगा तो घनत्व का अर्थ अलग होता है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? रेखीय आवेश वितरण। तो पहली हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण। जैसा एक है वैसे सारे हैं, एक आप समझ लीजिए फिर सारे समझ में आएंगे। रेखीय आवेश वितरण, देखो रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा मैं अलग दूंगा और रेखीय आवेश घनत्व की अलग दूंगा, ठीक है, लेकिन दोनों को एक साथ ही करा रहा हूं। तो हेडिंग क्या है आपकी? रेखीय आवेश वितरण, पहले बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रेखीय मतलब लंबाई के अनुदिश, यानी जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण है, वितरण समझते हैं बंटवारा, यानी जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश या किसी रेखा के अनुदिश, भाई लंबाई के अनुदिश का क्या अर्थ है? किसी रेखा के अनुदिश ही तो मतलब है, लंबाई के अनुदिश किया जाता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बात क्लियर? ठीक है, देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इस एक बात ध्यान रखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा अलग है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको पहली वाली। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी आवेश को, जब किसी वस्तु पर आवेश है ना उसकी लंबाई के अनुदिश दिया जाता है, बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बात क्लियर है? अब बात करता हूं मैं रेखीय आवेश घनत्व की। देखो सूत्र याद रखो बस, आप रेखीय आवेश घनत्व को आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, है ना, और इसका सूत्र होता है क्यू अपॉन एल। क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। बात क्लियर है? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। एल आप जानते हैं क्या होता है? लंबाई होती है, और क्यू क्या होता है? आवेश होता है। यानी मान लो आपके पास कोई तार है ना, इस तरीके से देख सकते हो आप, ये मान लो आपके पास कोई तार है, इसकी लंबाई कितनी है? एल। इसकी लंबाई आपकी कितनी है? एल। तो कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी? एल है, है ना। तो इसे आवेश देना है आपको। अब आपने आवेश दिया, इसके सारे पृष्ठ पर, इसकी पूरी लंबाई पर आवेश आपने दे दिया प्लस प्लस। बात क्लियर है? पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना दिया आपने? प्लस प्लस। बात समझ में आ रही है आपको? तो पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो गया, लेकिन घनत्व किसे कहते हैं? अपोन में एल आ रहा है। मैंने परिभाषा बनाने के लिए एक तरीका आपको बताया होगा कि अपोन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, जो भी भौतिक राशि आ जाती है, उसे आप वन मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसे वन मान लो, नीचे वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है? भौतिक राशि, यानी लंबाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसे वन मान लोगे, यानी किसी तार के या किसी जो आपका चालक है ना, किसी तार के एकांक लंबाई पर, भाई नीचे वाले को वन मानोगे तो एकांक लंबाई हो जाएगी ना, यानी एक मीटर लंबाई है ना, एकांक लंबाई, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आप क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी यदि मैं ऐसे कह दूं, यदि एल बराबर क्या हो जाए? वन, तो देखिए लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा?
लैम्डा क्यू के बराबर ना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आवेश की मात्रा है ना उसे आप ए के आवेश घनत्व कह रहे हैं, लेकिन ये आवेश की मात्रा है किस पे, किस पे है, एक मीटर लंबाई में है, यानी एकांक लंबाई पर है। तो देखो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हो, है ना, क्या कहेंगे, किसी तार की एकांक लंबाई ठीक है ना, क्योंकि तो लंबाई को कितना माना आपने वन, तो किसी तार की एकांक लंबाई है ना, और ये क्या है, पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आप क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे आप इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, बात क्लियर। और देखो ये तार है, इसकी लंबाई एल है, मान लो इसमें जो आवेश है सारा वो कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, माना भाई परिभाषा तो दी आपने सूत्र में, तो लिखना है सूत्र से पहले आपने लिखा इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको क्यू क्या है, एल क्या है बताना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे माना किसी एल लंबाई के तार पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है, तब रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, बात क्लियर है। और देखो सूक्ष्म के लिए करें, ये तो पूरे तार के लिए करा ना हमने, यदि आप करेंगे सूक्ष्म के लिए, तो देखो सूक्ष्म के लिए क्या हो जाएगा, सूक्ष्म के लिए देखो मान लो पूरे तार की लंबाई तो आपकी एल है, इस छोटे से भाग की लंबाई आप कितना मान लो डी एल, ठीक है ना, इस छोटे से भाग की लंबाई आप कितना मान लो डी एल, इस छोटे से भाग की आपने लंबाई मानी डी एल, बात क्लियर है। और इस छोटे से भाग का जो आवेश है उसे आप मान लो डी क्यू, छोटे से भाग की लंबाई आपने डी एल मानी और छोटे से इस सूक्ष्म भाग की लंबाई आपने डी एल के साथ साथ इसका आवेश कितना माना डी क्यू, तो आप देखोगे तब रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, तब रेखीय आवेश घनत्व देखो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व भाई देखो लैम्डा से तो प्रदर्शित करेंगे लेकिन आवेश पूरे का तो क्यू है, सूक्ष्म की बात करेंगे तो आवेश कितना है डी क्यू अपॉन में जो पूरे की लंबाई थी एल है, लेकिन सूक्ष्म की बात करेंगे तो कितनी है लंबाई डी एल, तो सूक्ष्म की बात करेंगे आप तो देखिए आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। तो यहां तक आप समझे, यहां तक आप नोट कर लेंगे, बाकी नोट्स की हेल्प से आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो पहली हेडिंग क्या थी आपकी, रेखीय आवेश वितरण, ये मैंने आपको कराया, इसकी आप मात्रक और विमा के बारे में और बात कर ले थोड़ी। देखो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मात्रक के बारे में बात करो, मात्रक आप सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं, भाई लैम्डा का मात्रक निकालना है आपको, यानी रेखीय आवेश घनत्व का, तो देखो इसका मात्रक लैम्डा का निकालना है तो क्यू का मात्रक बटे एल का मात्रक, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, बात क्लियर है। अपॉन एल, एल तो लंबाई है, लंबाई का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है मीटर, तो मात्रक क्या हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का, कूलम प्रति मीटर, बात समझ रहे होंगे आप। इसके बाद आप देखें मात्रक के बाद विभव के बारे में बात कर लेते हैं, देखो विमा आवेश की विमा आप जानते हैं क्या होती है टीए, मैंने बता रखी है शुरुआत में चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप। और देखो अपॉन में क्या है एल, यानी लेंथ, यानी लंबाई, लंबाई क्या होती है एल, तो इसे ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा आपकी विमा एल की पावर माइनस वन टी इंटू ए, तो आपकी विमा है, सबसे पहले आप देखते हैं एल फिर टी और फिर ए, इनका क्रम होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो यहां तक आप नोट कर लेना। देखो उसके बाद सेकंड हेडिंग में चलेंगे, तो पहले तो रेखे आया था, अब रेखे तो आ रहा नहीं है, क्या आएगा सेकंड, क्या प्रश्य, ठीक है प्रश्य आ जाएगा, बाकी चित्र बदल जाएगा लेकिन है इसी की जैसे बिल्कुल। और देखो क्या बदलेगा, ये लैम्डा बदल जाएगा ना, यहां से ये बदलेगा, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा ना बस रेखे बदल जाएगा है ना, और यहां से बदलेगा, इसे देखने के बाद में यहां से लंबाई नहीं आएगी, बात समझे आपको। तो आइए फिर चलते हैं, तो सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, प्रश्न आवेश घनत्व,
सेकंड हो जाएगा आपका प्रस्थीय, ठीक है ना। तो सेकंड क्या है आपका, प्रस्थ आवेश घनत्व या प्रस्थ आवेश वितरण। प्रस्थ आवेश घनत्व तो बाद में बताएंगे आप, उसे डिफाइन बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको किसे परिभाषित करना है, प्रस्थ आवेश वितरण को। देखो प्रस्थ आवेश वितरण क्या है, यानी जब किसी वस्तु, कोई वस्तु इस प्रकार की है जो कैसी है, जिसका केवल प्रस्थ है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसका केवल प्रस्थ है भाई, इसका इसकी आपको मोटाई भी पता चलती है ना, कि बराबर है। केवल क्या लिख रहा है, एक तो एक लंबी लंबाई लिख रही है आपको, और एक चौड़ाई ऊंचाई लिख रही है ना, दो ही तो चीज लिख रही है। तो यानी दो विमाओं की बात हो रही है केवल, द्विविमीय है। तो द्वीप में मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब पृष्ठ, तो इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। अब देखो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर आप आवेश बखेर दो समान रूप से, तो इसी आवेश के इस बंटवारे को, आवेश के इस वितरण को ही आप क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर आवेश है ना, एक समान रूप से पृष्ठ के अनुदेश या पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। बात क्लियर है। जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर है ना, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसके बाद देखो बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व की, ठीक है। हेडिंग दो है ये, तो दूसरी दोनों एक साथ करा रहा हूं मैं आपको। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को आप देखो, रेखीय आवेश घनत्व आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे आप प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, किससे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा, ठीक है। आधे नए की तरह जो आपको दिख रहा है ये ग्रीक अक्षर है जिसे आप सिग्मा कहते हैं, याद रखते हैं ना, आप जानते होंगे इसे। सिग्मा इक्वल्स होता है क्यू अपॉन ए, सूत्र क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अब देखो यदि आप ए को वन करें, मैंने बताया था ना एक बात आपको कि नीचे वाली राशि को वन मान लेंगे तो परिभाषा बनाना आसान हो जाएगा, वो तरीका ही है परिभाषा बनाने का। तो ए इक्वल्स टू वन है यदि, तो सिग्मा देखो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा, क्यू बराबर मतलब क्यू किसके बराबर है, सिग्मा के। तो परिभाषा आप यहां से बना सकते हैं कैसे, यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, अब क्षेत्रफल कैसा है, 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक क्षेत्रफल है, तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है। फिर आपको बताना पड़ेगा क्यू क्या है, ए क्या है, तो आप कहेंगे यदि किसी वस्तु के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे आप सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है किसी तार, तार के है ना, यहाँ की के स्थान में क्या जाएगा, के, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी तार के एकांक क्षेत्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक नोट्स में से आप लिख देंगे, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसके बाद देख सकते हो आप, मान लो कोई पृष्ठ है, देखो इस तरीके से कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ना कोई, ये इस तरीके से पता है क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना इसकी सीमाएं कहाँ तक है, इसकी लंबाई है ना, चौड़ाई कहाँ तक है, इस तरीके ऐसे बना दिया ना। अब इसे आप जानते हैं एक समान रूप से आवेश दिया गया है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, यानी पृष्ठ आवेश वितरण, तो इसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से कर दिया गया है, समान रूप से सब जगह प्लस प्लस आवेश बखेर दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल मान लो कितना है एक, और इस कोने में जो आवेश है वो कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा। मान लो सूक्ष्म भाग के लिए करेंगे तो इसका देखो छोटा सा भाग मान लो ये है, ये इसका सूक्ष्म भाग है मान लो, तो देखो इस पर आवेश मान लो कितना है डी क्यू, और इसका क्षेत्रफल कितना है मान लो डी ए सूक्ष्म भाग का। तो आप देखोगे लिखा हुआ है सूक्ष्म के लिए क्या जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, सूक्ष्म के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, एल के प्लेस पर क्या जाएगा ए, ठीक है ना, डी क्यू अपॉन डी ए, यानी यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा सूक्ष्म के लिए, डी का मतलब होता है सूक्ष्म स्मॉल, मात्रा देख लो आप क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अपॉन में क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, भाई मीटर गुना मीटर क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे विमा में एल स्क्वायर हो जाएगा, तो मात्रा तो जाएगा गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा हो जाएगी ये ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी 2, तो विमा क्या बचेगी एल की घात माइनस 2 डी इंटू ए। बात क्लियर है, चित्र ये है और बाकी सब कुछ मैंने आपके सामने कर दिया है, इसे आप नोट कीजिए।
ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद देखो थर्ड पे चलेंगे। थर्ड क्या है आपका? आयतनीय आवेश घनत्व। आइए फिर आयतनीय आवेश घनत्व की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका आयतनीय आवेश घनत्व। तो यहाँ आयतनीय आ जाएगा, सिग्मा हटेगा आपका, है ना, एक और सिग्मा ये नहीं आएगी, क्षेत्रफल के स्थान पर आयतन आ जाएगा। सभी ना तीनों एक जैसे हैं, सिमिलर है बिल्कुल, बाकी चित्र में आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये चेंज हो जाएगा ना, बाकी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ट्रस्ट चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ये भी उसके जैसे ही है। थर्ड हेडिंग क्या है आपकी? ट्रस्टी आवेश घनत्व थी सेकेंड दो, और थर्ड आपकी क्या हो जाएगी? आयतनीय आवेश घनत्व। देखो थर्ड आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय कह दो चाहे आयतन कह दो, बात एक ही है ना। कही जगह आयतन आवेश घनत्व भी लिखा मिलेगा, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है किसकी? आयतनीय आवेश वितरण की। इसका मतलब है कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका आयतन है, यानी इसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है और उसकी ऊंचाई भी है। देखो इस तरीके की वस्तु, जैसे आप देख सकते हो किसका एग्जाम्पल, घन का। घन इस तरीके से होता है, ये घन है, तो आप देखोगे इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। देख लो चाहे, देखो लंबाई तो ये वाली है ना, चौड़ाई ये वाली है और ऊंचाई ये वाली है। तो इस प्रकार की कोई वस्तु है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी वो त्रिविमीय है, ठीक है। तो आयतनीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा? यानी जब इसकी लंबाई पे भी आवेश का वितरण हो, चौड़ाई पे भी आवेश का वितरण हो और इसकी ऊंचाई पर भी आवेश का वितरण हो। सीधा सा अर्थ ये है कि जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है, बांटा या बांटा जाता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। आवेश आयतनीय आवेश वितरण आप समझ गए। इसके बाद देखो मैं बात कर रहा हूं आयतनीय आवेश घनत्व की। तो देखो आयतनीय आवेश घनत्व को आप रो से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व को इसे आप रो से प्रदर्शित करेंगे और रो से आप परिचित होंगे, है ना। रो क्या होता है? एक ग्रीक लेटर होता है जिसे आप रो कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे पी की तरह बनता है, यदि आप नहीं जानते होंगे तो रो क्या होता है? क्यू अपॉन के स्थान में क्या आ जाएगा? आयतन की बात हो रही है तो बी आ जाएगा, ठीक है ना, बस अंतर इतना सा है। तो आयतनीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? मैंने बताया नीचे वाली राशि को आप क्या मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। तो बी को क्या मान लो? वन। तो क्यू आपका किसके बराबर आ जाएगा? रो के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आयतनीय आवेश घनत्व है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि उस आवेश के बराबर है। किस आवेश के? जो आवेश उसके एकांक आयतन पर उपस्थित है। यानी परिभाषा कैसे हो सकती है? किसी तार, तार ना कहो वस्तु कह दो ना, तार तो बेलनाकार होता है बस, यानी किसी वस्तु, वस्तु तो एक विमीय भी हो सकती है, द्विविमीय भी हो सकती है और त्रिविमीय भी हो सकती है, लेकिन जो तार है ना केवल एक विमीय होता है, लंबाई होती है उसकी। किसी वस्तु के एकांक क्या आएगा? आयतन, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के मात्रा को आवेश, है ना, आवेश को आप क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित, देखो रो लिखा हुआ है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो आप मान लो ये वो यही वस्तु है, घन जो है आपका, इस पर आवेश समान रूप से बिखरा हुआ है ना। कैसा आवेश बिखरा हुआ है? प्लस वाला धन आवेश समान रूप से लिख रहा है बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, तो मान लो इसको पूरे का आवेश कितना है स्मॉल टू, और पूरे का जो आयतन है वो आप कितना मान सकते हो? कैपिटल वी। तो आप क्या कहेंगे? यदि किसी वस्तु के वी आयतन पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है हो, तो आयतनीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा आपका? रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन कैपिटल वी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप सूक्ष्म के लिए कर लें, भाई सूक्ष्म के लिए तो करते हैं। तो मान लो ये तो कंप्लीट के लिए है, सूक्ष्म के लिए आप देख लीजिए, तो ये तो बड़ा घन है, इसके अंदर मान लो छोटा सा कहीं पार्ट ले दो इसका, तो छोटा सा घन देखो इस तरीके से होगा, इस तरीके से छोटा सा घन बना दो एक इसके अंदर। अब मान लो ये घन है तो इस पर मान लो आवेश कितना है? डी क्यू। तो इस पर कम आवेश है, छोटा है घन, और इसका आयतन कितना है? इसका आयतन मान लो डी वी है।
आयतन dv है और इसका आवेश कितना है dq। तो देखो लिखा हुआ है सूक्ष्म के लिए क्या आ जाएगा, सूक्ष्म के लिए आयतनीय, अरे आयतनीय कह दो या आयतन भी लिखा मिलता है कई जगह, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पे क्या जाएगा, एक तो रो आ जाएगा क्योंकि रो से तो प्रदर्शित करते हैं इसे, और dq अपॉन dv आ जाएगा। ठीक है, तो आयतनीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv, इसके लिए सूक्ष्म के लिए। इसके बाद देखो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर की घात 3 होता है, तो मीटर की घात 3 आ जाएगी 3। इसके बाद देखो यहाँ 3 पावर आ जाएगी, क्योंकि आयतन का जो विमा होती है वो कितनी होती है, एल की घात 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बात आपने समझी, आयतनीय आवेश वितरण मैंने आपको बताया क्या होता है, आयतन आयतनीय आवेश घनत्व आपने समझा, और तीनों एक दूसरे के जैसे ही है, बिल्कुल रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश वितरण जैसा था वैसे ही पृष्ठ है, और मतलब थोड़ा अलग है, बस थोड़ा थोड़ा ही तो अलग है, तरीका तो सेम है सारा, और वैसे ही आपका आयतनीय है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इसके डायमेंशन है, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।